नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं र्यूम, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और कौन से डिसीज कंडीशन में र्यूम मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, साथ ही में मेरे Instagram पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिएगा, Facebook पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो र्यूम मेडिसिन है, ये र्यूम ऑफिशनालिस करके इसका कॉमन नेम है और ये एक प्लांट से बनाई गई मेडिसिन है। ये जो र्यूम मेडिसिन है ये ज्यादातर दस्त में या फिर बच्चों में जो दस्त होते हैं वैसे सिचुएशन में, डेंटिशन में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। साथ ही में आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा अकड़न है तो वैसे सिचुएशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अब इसके सिस्टम वाइज क्या क्या सिम्टम्स है अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है ये सिर के संबंधित क्या क्या परेशानियां हो सकती है इसके बारे में। तो सिर के संबंधित क्या क्या परेशानियां हो सकती है, तो इसको सिर दर्द बहुत तेज रहता है। ये जो सिर दर्द है इसके साथ साथ उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है और पसीने के साथ उसको सिर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, वैसे सिचुएशन में हम र्यूम मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है इसमें कान के संबंधित क्या क्या परेशानियां है अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कान में अगर उसको तेज दर्द रहता है या फिर ऑस्टेल्जिया जैसी परेशानियां है या फिर मिनियर्स डिसीज करके एक डिसीज है उसकी परेशानियां है, जिसमें PPPV यानी कि जब आप सोकर उठते हैं या फिर कौन सी भी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो आपको वर्टिगो चक्कर आती है, तो वैसे सिचुएशन में ये र्यूम मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपके दांत के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको टूथ एक जो है बहुत ज्यादा रहता है और ठंडा कुछ खाने से या फिर पीने से ये दर्द जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही में बच्चों में जो डेंटिशनल पीरियड रहता है, डेंटिशनल पीरियड्स में जो दस्त रहते हैं, पेट में जो दर्द रहता है या फिर दांत निकलते वक्त उनके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इरिटेशन इतना रहता है कि बच्चे जो है वो हमेशा रोते रहते हैं, तो वैसे सिचुएशन में डेंटिशनल पीरियड में हम र्यूम मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं छोटे बच्चों में। साथ ही में इसके पेट के संबंधित क्या क्या परेशानियां है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेडिसिन ज्यादातर दस्त में दिया जाता है जहां पर आपको मल त्याग करना है। मल त्याग करने से पहले आपके नाभि में और आपके पेट में शिफ्टिंग पेन जो है वो कटिंग दर्द जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, मरोड़ वाला दर्द रहता है जिसकी वजह से आपको झुकना पड़ता है, इतना दर्द आपको मल त्याग करने से पहले मल के दौरान रहता है। मल त्याग करने के बाद आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बेहतर रखता है, तो वैसे सिचुएशन में भी ये र्यूम मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपके पेट में दर्द है तो ये जो मेडिसिन है इसमें डायरिया दस्त की परेशानियां बहुत ज्यादा रहती है, दस्त के साथ साथ आपको उल्टी की परेशानियां भी बहुत ज्यादा रहती है, तो वैसे सिचुएशन को ठीक करने का काम करता है। और डायरिया और वॉमिटिंग के बाद जो कमजोरी है, जो बिल्कुल भी जान नहीं रही है, तो उस कमजोरी को भी दूर करने का काम ये र्यूम मेडिसिन जो है ये करती है। ये जो र्यूम मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि आपके पेट में आपको बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है, साथ ही में आपको कुछ हेवी आपके पेट में जो है वो रखा है, भारी कुछ आपके पेट में रखा है ऐसा आपको महसूस होता है, उस भारीपन को दूर करने का काम ये र्यूम मेडिसिन करती है। साथ ही में आपके पेट में आपको कटिंग वाला दर्द जो है उसको उससे भी राहत देने का काम ये र्यूम मेडिसिन जो है ये करती है। अब हम बात करते हैं इसके फीमेल्स में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, फीमेल्स ऑर्गन्स पर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है जहाँ पर आपके राइट ओवरी में यानी कि आपके राइट अंडाशय में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उस दर्द को ठीक करने का काम करता है। अगर कोई महिला है जिसमें डिलीवरी के बाद या फिर अबॉर्शन के बाद उसको UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो हुआ है और उस इन्फेक्शन से वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में अगर हम र्यूम प्रिस्क्राइब करते हैं उस UTI को दूर करने के लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
साथ ही में जब कोई महिला जो है उसकी डिलीवरी हो गई है और वो लैक्टेशन फेज में है, स्तनपान के फेज में है, तब उसका दूध जो है वो कड़वा और पीला होता है, तो उस कड़वे और पीलेपन को दूर करने का काम ये रिहुम मेडिसिन जो है ये करती है। साथ ही में बच्चों में उस दूध पीने के बाद बहुत ज़्यादा दस्त होते हैं और पेट की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती है, गैसेस की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती है, तो वहाँ पर हम रिहुम मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। जब आपके हाथों पैरों में आपको जकड़न वाला दर्द होता है, चाहे वो बड़े जोड़ों में या फिर छोटे जोड़ों में, यानी कि उंगलियों के जोड़ों में हो, या फिर शोल्डर, नी या फिर एल्बो जैसे बड़े बड़े जॉइंट्स है, तो वैसे जॉइंट्स में अगर आपको अकड़न वाला दर्द है, तो उस दर्द से राहत पाने का काम ये रिहुम मेडिसिन जो है ये देती है। साथ ही में ये जो जोड़े हैं इसमें अर्थराइटिस, ऑस्टियोअर्थराइटिस जैसी परेशानियां हैं, संधिवात जैसी परेशानियां हैं, उसको भी दूर करने का काम ये मेडिसिन जो है जूहू की करती है। साथ ही में जब आप चलते फिरते हैं या फिर कंटिन्यू मूवमेंट में रहते हैं, तो आपका दर्द जो है जकड़न वाला वो कम हो जाता है, या फिर आप एक ही पोजीशन पर बैठे रहते हैं, रेस्ट की पोजीशन में है, तो आपके जोड़ों में आपको बहुत ज्यादा अकड़न महसूस होती है, स्टिफनेस महसूस होता है, वो जल्दी से जाता नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में ये रिहुम मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही में ये जो रिहुम मेडिसिन है इसके जांघों में बहुत ज्यादा शीतलता रहती है, लेकिन उसके हाथ जो है वो बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में हम रिहुम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर कर जोड़ों में जो भी अकड़न है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है रिहुम, इसके क्या क्या फिजिकल जनरल सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो सकते हैं, अब उसके बारे में हमने बात की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।